तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि इफ स्टेटमेंट का वाइल्ड कार्ड में यूज होता है या नहीं होता। अगर ये वर्क करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो सॉल्यूशन क्या है, यह आज का हमारा टॉपिक है। और यहाँ मैंने एक डेटा नाम की शीट बना के रखी हुई है जिसके अंदर यू कैन सी मेरे पास कुछ एंटिटी कोड दिए हुए, कुछ करेंसी दी हुई है। मुझे गाइस इसमें करना ये है कि जहां जहां पर भी डी ई वर्ड आता है, इस डी ई वर्ड को मुझे सर्च करना है। अब देखिए, अगर मैं इस डी ई वर्ड की अगर बात करूं तो ये डी ई वर्ड की पोजीशन कहीं पर भी है। जैसे ये डी ई वर्ड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शुरुआत में, यहाँ ये बीच में, यहाँ ये और मिड में, फिर यहाँ ये लास्ट में। तो इस तरीके से ये डी ई वर्ड कहीं भी है, ये मुझे सर्च करना है। तो अगर मैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं वाइल्ड कार्ड का अगर आप लोगों ने यूज किया है, तो वाइल्ड कार्ड क्या करता है कि कोई भी वैल्यू अगर कहीं भी हो तो बेसिस ऑफ दैट वो हमें ढूंढ के देती है। तो लेट मी चेक कि क्या एक्सेल का फॉर्मूला यूज करने के बाद क्या ये मुझे काम करके देगा या नहीं। तो अगर मैं बोलता हूं इफ ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू, और मैं यहाँ पर वाइल्ड कार्ड में एस्ट्रिक्स का साइन लगा के चेक करवा लेता हूँ कि डी ई इसको जहां भी मिलेगा, एस्ट्रिक्स क्लोज कीजिए, तो वहां पर मैं इसको, चलिए हम इसको ट्रू एंड फॉल्स में चेक कराते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ट्रू के केस में इसको ट्रू कहेगा और फॉल्स के केस में इसको फॉल्स ही कहेगा। लेट मी चेक, तो इसको हम डबल कोटेशन में डाल देते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। फॉल्स, चलिए ठीक है, ये इसको फॉल्स कह रहा है। क्या नीचे मुझे ट्रू का आंसर मिलेगा? गाइस देखिए फॉल्स ही कह रहा है इसको। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो हर किसी को फॉल्स क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जो वाइल्ड कार्ड जो सिनेरियो है ये इसकी स्टेटमेंट में नहीं चलती है गाइस। अगर आपके पास कोई इस तरीके की सिचुएशन आ रही है तो इस सिचुएशन को हमने डील कैसे करना है, यही मेरा इस वीडियो का टॉपिक है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपके पास आ सकती है, तो देखिए ये मैं आपको एक्सेल और वीबीए में दोनों में ही करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस इसके अंदर क्या है कि हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक फाइंड फंक्शन होता है, एक सर्च फंक्शन होता है। दोनों के दोनों काम तो हमें एक जैसा ही करके देते हैं, क्योंकि ये बदले में हमें नंबर रिटर्न करते हैं कि पोजीशन एक सेल की, मतलब एक पर्टिकुलर जो भी कीवर्ड हम ढूंढ रहे होते हैं उसकी पोजीशन क्या है। लेकिन फाइंड और सर्च में अंतर क्या है गाइस? देखिए अगर मैं इन केस यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा के मैं, मतलब कि यहाँ पर फाइंड का यूज करता हूँ, और फाइंड में लेट्स से मैं यूज कर रहा हूँ डी ई को, मैं ढूंढ रहा हूँ किसमें, इस टेक्स्ट में, मैं इसको क्लोज करके एंटर करूंगा तो ये मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यू इसलिए रिटर्न कर रहा है मतलब कि ये इसको एरर थ्रो कर रहा है। एरर थ्रो करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इसको इसके अंदर डी ई मिला ही नहीं। लेकिन अगर मैं कंट्रोल डी करके इसको करता हूँ तो देखिए ये डी ई को फाइंड आउट कर रहा है फर्स्ट पोजिशन में। अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो देखिए कौन सी पोजिशन देगा मुझे, ये इसकी मेरे को सेकेंड पोजिशन दे रहा है, और एक ये डी ई हमारा लास्ट में है तो इसके लिए मेरे को इसकी पांचवी पोजीशन दे रहा है। तो गाइस अब सर्च में और फाइंड में डिफरेंस ये है कि अगर कल की डेट में मैं बोलता हूँ कि ये जो डी ई है ये अगर छोटा हो जाता है इन केस, तो आप देख रहे हो ये एरर आ गया। आइए इसी चीज को अगर हम सर्च के थ्रू करें तो क्या हमें वैल्यू मिलेगी, लेट्स चेक। तो मैं बोलता हूँ सर्च, इस सेल का मैंने रेफरेंस दे दिया, मींस वी आर चेकिंग डी ई, मैं बड़ा ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, देन किस टेक्स्ट के अंदर, इसी टेक्स्ट के अंदर, पैरेंथेसिस क्लोज कीजिए गाइस, इसने वैल्यू रिटर्न कर दी। देखिए ये इसको पहली पोजीशन दे रहा है, और अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करोगे, आई एम सॉरी डी ई में हमने इसको यूज करना था, तो डी ई मेरा यहाँ पर है या फिर यहाँ पर भी है, तो ये देखिए इसको दो दे रहा है, एंड देन डी ई हमारा यहाँ पर है, इसको इसने फोर्थ पोजीशन दे दी, एंड डी ई
यहाँ पर इसने पांचवी पोजीशन दे दी, नो मैटर कि इसमें मैंने एक डी को छोटा और ई को बड़ा कर दिया, तो देर इज नो इम्पैक्ट। जबकि फाइंड फंक्शन में आप लोगों ने देखा था कि फाइंड फंक्शन में जैसे ही ये केस सेंसिटिव हुआ वहां पर एरर आ गया था। तो सर्च फंक्शन जो है वो फाइंड के मुकाबले में थोड़ा सा डायनेमिक है गाइस। तो जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आप लोग सर्च फंक्शन का यूज कीजिए रादर देन फाइंड फंक्शन, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम इस चीज को डील कैसे करेंगे, देखिए डील करने का तरीका ये है, मैं चाहता हूँ कि जहां जहां पर भी इसको डी ई कीवर्ड मिले ये मुझे रिटर्न करे वहां पर यूरोप लिखा हुआ, अदरवाइज ये मुझे रिटर्न करे अदर कंट्री। तो यही चीज मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर फंक्शन क्या बनाएंगे, फंक्शन बनेगा मेरा इफ स्टेटमेंट के साथ। तो मैं इसको बोलता हूँ इफ इज नंबर, एक फंक्शन इज नंबर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू में रिटर्न होके आ रही है, तो इसलिए मैं चेक करवा रहा हूँ कि अगर सर्च करने के बाद कोई भी वैल्यू, मतलब मैं यहाँ पर चेक क्या करवा रहा हूँ डी ई को, अगर कोई भी वैल्यू मुझे न्यूमेरिक में मिलती है तो ये क्या करेगा वहां पर मुझे क्या लिख के देगा, ये मुझे लिख के देगा गाइस एक मिनट, इसको डबल पैरेंथेसिस क्लोज करके। अब आपने ट्रू के केस में मैं चाहता हूँ कि अगर इसको नंबर मिल जाता है तो नंबर के केस में इसको क्या बोलेगा यूरो, नहीं तो इसको क्या बोल देगा अदर कंट्री। तो देखते हैं एंटर मारिए, देखिए ये इसने इसको चेक किया तो इसने इसको बोल दिया अदर कंट्री, और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये इसको यूरोप बोल रहा है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर ये मुझे यूरोप रिटर्न कर रहा है, हम एक बार यूरोप पे फिल्टर लगा के देख लेते हैं और चेक करते हैं क्या सभी में डी ई कीवर्ड आ रहा है। तो देखिए गाइस इस डेटा में आपको डी ई कीवर्ड कहीं ना कहीं मौजूद मिल रहा है, तो ये फंक्शन हमारा डायनेमिकली काम कर रहा है। अब इस फंक्शन को हम लोगों ने वीबीए में इम्प्लीमेंट कराना है। तो देखिए वीबीए में अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा तो वीबीए में इसकी फंक्शनलिटी थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। करते हैं इसको, मैं डेवलपर टैब में जा रहा हूँ एंड देन आई एम इंसर्टिंग वन कमांड बटन। गाइज आप इसको मॉड्यूल पे कीजिएगा, मैं सिर्फ ट्यूटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कोड जो होते हैं उसको एक कमांड बटन पर लिखता हूँ, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप अपना कोड मॉड्यूल पे लिखिए और उसको कॉल कराइए। तो मैं जैसे यहां पर बोलता हूँ स्पेसिफिक टेक्स्ट, देन इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ गाइस एंड लेट मी जस्ट रिसाइज दिस। अब हम अपना फंक्शन बनाएंगे तो उसके लिए मुझे क्या होगा, मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला डिम डब्ल्यू एस एस वर्कशीट, सबसे पहले एक वर्कशीट ले लेते हैं डिम एक्स एस इंटीजर। ये एक्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर लूप चलाने की जरूरत होगी गाइस, इसलिए मुझे एक वेरिएबल एक्स भी लेना पड़ा है, ठीक है। सबसे पहले ये जो हमने डब्ल्यू एस वर्कशीट लिया है इसको डिफाइन कर लेते हैं, हमारी शीट का नाम क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं डेटा है तो मैं इसका इनिशियल डी पकड़ूंगा, तो डब्ल्यू एस डी बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर सेट कीवर्ड का यूज होगा, मैं बोल देता हूँ शीट्स डेटा को ये डब्ल्यू एस डी समझेगा गाइस। देन हमें एक लास्ट रो की जरूरत होगी तो लास्ट रो के केस में मैं इसको बोल देता हूँ डब्ल्यू एस डी डॉट रेंज ए 1048576, ये सबसे नीचे की रो होती है, सबसे लास्ट रो होती है गाइस, डॉट एंड एक्सेल ऑफ डॉट रो, तो ये हमारी लास्ट रो हो जाएगी। अब इसके बाद मैं अपना लूप चलाना स्टार्ट करूंगा यहाँ से, तो लूप के केस में मैं इसको बोलता हूँ फॉर एक्स इक्वल्स टू दो से चलेगा लास्ट रो, दो इसलिए क्योंकि फर्स्ट रो मेरा हेडर कंटेन कर रही है। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं, तो देखिए एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपने गौर किया होगा कि जब हमने पहला फंक्शन यहाँ पर लगाया था विदाउट इज नंबर, सिर्फ सर्च का फंक्शन लगाया था, तो जहां पर इसको डीई कीवर्ड नहीं मिल रहा था वहां पर ये एरर थ्रो कर रहा था। तो यहाँ पर वीबीए के केस के अंदर
एरर हैंडलिंग करानी होगी गाइस, कि जहां जहां पर इसको एरर मिलेगा वहां वहां पर वो इसको स्किप करता हुआ जाए। तो स्किप करने के केस में मैं यहाँ पर एक एरर हैंडलिंग लगाऊंगा जिसको ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट बोलते हैं। देन अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना फंक्शन, तो मैं बोलता हूँ डब्ल्यू एस डी डॉट सेल्स एक्स कॉमा थ्री। एक्स कॉमा थ्री मीन्स नो, ये थ्री भी नहीं हुआ, फोर हो जाएगा क्योंकि थ्री पे तो हमने इसको यूज किया है। तो मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि एक्स कॉमा फोर की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी गाइस। तो देखिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ वर्कशीट फंक्शन डॉट सर्च, सर्च में हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं, डी ई पर ढूंढ रहे हैं गाइस। एक्स कॉमा वन में इजेंट इट, एक्स कॉमा वन में हम इसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारी कंडीशन लगनी स्टार्ट होगी। तो कंडीशन क्या बोलती है गाइस, कंडीशन ये बोलती है कि अगर इफ एक्स कॉमा फोर की अगर वैल्यू जो है वो ब्लैंक होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब ये लूप रन करना स्टार्ट करेगा तो इसको जो पहली वैल्यू बी ई मिलेगी तो ये इसको स्किप करके यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू छोड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि अगर इसको ये वैल्यू ब्लैंक मिलती है तो क्या होगा। तो गाइज उस केस के अंदर मैं यहाँ पर लिखवाना चाहता हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिकली अदर कंट्री लिखा हुआ जाए, जैसा कि इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, अदर कंट्री लिखा हुआ जाए, नहीं तो एल्स यहां पर यूरोप लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी इफ की स्टेटमेंट यहां पर बंद हो जाएगी एंड देन मेरा लूप भी बंद हो जाएगा। तो एक एक करके इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो मैंने कोड लिखा है क्या इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। वन बाय वन चेक करने के लिए स्टेप इनटू करना होता है, स्टेप इनटू के लिए F8 की को आपको बार बार प्रेस करना होगा। तो लाइक दिस जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए गाइस इसने यहाँ पर अदर कंट्री दे दी है, देन ये else पे आके यूरोप दे रहा है मुझे। तो ये ऐसे अगर रन करेगा तो यू कैन सी आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल डिफरेंस, दोनों ही चीजें आपको सेम वैल्यू रिटर्न करती हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर वीपीए कोड इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट वैल्यू। सो ऐसी सिचुएशन आ सकती है गाइस, तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए तरीका मैंने आपको दे दिया, यही तरीका काम करेगा। ये डायनेमिक कोड है, कल की डेट में अगर ये वैल्यू बढ़ जाती है या घट जाती है, वैसे तो आपके एग्जांपल के तौर पे मैंने सिर्फ यहाँ पर कितना काउंट लिया था, 13 का काउंट लिया था गाइस, ये कल की डेट में आई एम गिविंग यू 100% श्योरिटी कि अगर ये काउंट आपका 13,000 मतलब 1,00,000 कुछ भी हो एक्स वाई जी, तो ये वीवीए का कोड आपको काम करके देगा गाइस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा गाइस। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।